सईदना उस्मान बिन अफ्फान ने पानी का एक बर्तन मंगवाया, अपनी हथेलियों पर 3 बार पानी डाला, इनको धोया, फिर चुल्लू में पानी लिया, कुल्ली की, नाक साफ की, फिर अपने चेहरे को 3 मरतबा और दोनों हाथों को कोहनियों तक 3 मरतबा धोया, फिर अपने सर का मसा किया, फिर अपने दोनों पैर टखनों तक 3 बार धोए, फिर कहा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो कोई मेरे इस वुजू के मिसल वुजू करे और इसके बाद 2 रकत नमाज पढ़े और इसमें अपने दिल से बातें न करे तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। और एक दूसरी हदीस में अमीरुल मोमिनीन उस्मान ने वुजू करने के बाद कहा कि मैं तुमको एक हदीस सुनाता हूँ, अगर कुरान करीम की एक आयत ना होती तो मैं तुमको ये हदीस न सुनाता, मैंने रसूलुल्लाह से सुना, आपने फरमाया जो शख्स अच्छी तरह वुजू करे और इसके बाद नमाज पढ़े कोई फर्ज नमाज तो जितने गुनाह उस नमाज से दूसरी नमाज पढ़ने तक होंगे वो माफ कर दिए जाएंगे। और वह ने कहा कि वो आयत सूरह अल बकरा की है कि जो लोग हमारी उतारी हुई आयतें छुपाते हैं आखिर तक। इससे हमें ये पता चलता है कि सहाबे कराम कितने मोहतात थे और सिर्फ इस वजह से इल्म को दूसरों तक पहुंचाते थे कि अल्लाह के यहाँ जो नहीं पहुंचाता उस पर बड़ी पकड़ है, वईद है। इस वजह से वो हदीस को अपने तक नहीं रखते थे, अपनी औलादों को भी सिखाते थे और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाते थे।